हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के प्रोसेसर नेम को कैसे हम हैक कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे आपके पास ड्यूअल कोर कंप्यूटर हो, i3, i5, i7 एटसेट्रा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर हो, आप इजीली उसके प्रोसेसर के नेम को हैक कर सकते हैं। चलिए आइए हम सीखते हैं कैसे करें हम प्रोसेसर के नाम को हैक। ठीक है, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो होता है विंडोज़ की और आर दोनों एक साथ दबाएंगे, विंडोज़ आर, आपका रन कमांड खुलेगा। उसमें हमें डालना है dxdiag, dxdiag, dxdiag डालने के बाद हमें एंटर करना है। हमें रजिस्ट्री ओपन होकर आएगी, एक बॉक्स खुलेगा रजिस्ट्री का, उसका हमें वेट करना है। हाँ जी, हमारे सामने रजिस्ट्री का ऑप्शन खुल के आ गया है, dxdiag। इसमें देख सकते हैं आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोसेसर नेम। ठीक है, इस कंप्यूटर प्रोसेसर नेम को हम चेंज कर सकते हैं, हम उस कंप्यूटर प्रोसेसर नेम को हैक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हम बदल सकते हैं चाहे हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब हम एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद हमें जाना है डायरेक्ट्री में, तो फिर वैसे ही विंडो आर दबाएंगे और इसमें लिखेंगे REGEDIT। ठीक है, REGEDIT, ओपन करेंगे, एक बॉक्स ओपन आएगा, फिर दोबारा इसको हमें यस करना है। यस करने के बाद फिर ये बॉक्स अपीयर होगा। पूरा टोटली तरीके से प्रोसीजर क्या है हमारे दोस्तों, देखेंगे कि सबसे पहले हमारे सामने ये बॉक्स खुल गया। बॉक्स में हमें जाना है एच की लोकल मशीन। जैसे अभी आप देखिएगा कर्सर का पॉइंटर जो है एच की लोकल मशीन पे है, वहाँ पे हमने क्लिक किया। उसके बाद हमें जाना है हार्डवेयर, हार्डवेयर पे क्लिक किया। उसके बाद हमें जाना है सिस्टम, सिस्टम पे क्लिक किया, हार्डवेयर पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन में गए हमने। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें आना है सेंट्रल प्रोसेसिंग में। उसके बाद हमारे पास जीरो है, जीरो ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे। आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर नेम इंटेल आर सिलरॉन CPU N2840@2.16 GHz। अब हमें इसे अगर चेंज करना है तो हमें यहाँ क्या करना है, इस पर क्लिक करके और राइट क्लिक करना है कंप्यूटर के बटन को और मॉडिफाई पे। मॉडिफाई करने के बाद हमें इसमें कोई भी नाम हम डाल सकते हैं, चाहे तो हमें यहाँ पे कट करके आप डाल सकते हैं i3, i5, i7। उसके बाद ओके कर देंगे, आपका कंप्यूटर में वही शो होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।